आज हम करेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है हमारा? इट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू सेवन कलर्स। हमें पता है जो हमारी व्हाइट लाइट है वो सेवन कलर से मिलकर बनती है, ठीक है। तो ये वो फिनोमिना है जिसके अंदर व्हाइट लाइट जो है, जो ये सेवन कलर से मिलकर बनी हुई है, उसकी जो है स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है। तो इट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू सेवन कलर इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ये फिनोमिना हम कब देखते हैं? एक तो रेनबो फॉर्मेशन होती है तब भी देखते हैं हम ये फिनोमिना, जब वाटर ड्रॉपलेट्स में से हमारे जो सनरे पास होते हैं उसके बाद जो है हमारा रेनबो बनता है। रेनबो के अंदर सेवन कलर्स होते हैं, इसका मतलब जो व्हाइट लाइट की है वहाँ पर हमारी स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिज्म है, प्रिज्म से ये हम व्हाइट लाइट पास कर रहे हैं, ठीक है। और जो व्हाइट लाइट है वो हमारी सेवन कलर्स में डिवाइड हो गई है, देखो कैसे, वी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विद्यो, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो वॉयलेट कलर का डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। तो जो बाहर निकलती है वो हमारी इमर्जेंट रे होती है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होता है हम उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो इंसिडेंट रे हमारी ये है, ये हमारी जो है इमर्जेंट रे होगी। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में तो ये होगी हमारे वॉयलेट रे, वॉयलेट रे का एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। और ये हो गया रेड कलर का, ठीक है, ये वॉयलेट कलर का हो गया, ये रेड कलर का हो गया। तो हम देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन वॉयलेट कलर का ज्यादा है रेड कलर से, क्यों है ये अभी हम फिनोमिना डिस्कस करेंगे। तो अब हम कर रहे हैं कॉज ऑफ डिस्पर्जन। कॉज ऑफ डिस्पर्जन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाय लैम्डा क्यूब। लैम्डा क्या है यहाँ पर? वेवलेंथ ऑफ लाइट है। अब हमें पता है वॉयलेट कलर की वेवलेंथ अलग होगी, रेड की अलग होगी, तो हम इसके अकॉर्डिंग यू भी बोल सकते हैं कि ये जो है अलग अलग इनका डेविएशन क्यों आया इनका अलग अलग डेविएशन, क्योंकि इनकी वेवलेंथ अलग अलग है, इनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाएगा, तो ये जो है अलग अलग एंगल से डेविएट होगी, क्योंकि हमें पता है डेविएशन एंगल जो है अभी हमने लास्ट फॉर्मूले में किया था, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू में ए, यानी म्यू और डेल्टा जो है आपस में रिलेट है, जिसका म्यू ज्यादा उसका डेविएशन ज्यादा, जिनका म्यू कम उसका डेविएशन कम, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज ये पता लग रही है, फिलहाल हम एक बार इसको जा रहे म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इधर से हमें ये पता लग रहा है जो म्यू है सबके लिए अलग अलग हो जाएगा, इसलिए सबका डेविएशन भी अलग अलग है। तो हम अब हमें प्रूफ करना है, मान लो कि जो डेल्टा बी है वो ज्यादा है डेल्टा आर से, तो मैं कैसे प्रूफ कर सकती हूँ, ठीक है, मुझे कैसे प्रूफ करना है? मुझे पता है रेड कलर की वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा होती है, तो बी से तो ज्यादा है, वॉयलेट से भी ज्यादा हो जाएगी लैम्डा, ठीक है। अब इसका मुझे पता है म्यू और जो लैम्डा है वो क्या है हमारी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो म्यू आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा म्यू बी से, ठीक है। तो मैं यू भी लिख सकती हूँ, म्यू और डेल्टा का हमें रिलेशन पता है, कल हमने किया था, देखो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए, यानी जिसका म्यू ज्यादा है उसका डेल्टा भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी डेल्टा आर का कम हो जाएगा क्योंकि इसका म्यू कम है, और डेल्टा बी का ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो वॉयलेट कलर का डेविएशन होता है वो ज्यादा होता है रेड कलर से, इस फॉर्मूले से हम बता सकते, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है? फॉर एनी टू कलर इट मे बी डिफाइंड एज डिफरेंस इन डेविएशन। अभी अभी हमने डेविएशन देखा था, डिफरेंस इन डेविएशन, डेविएशन क्या होता है? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, या कितनी रे डाइवर्ट हुई इंसिडेंट और इमर्जेंट के कंपेरिजन में, तो इट इज डिफाइंड एज डिफरेंस इन डेविएशन सफर्ड बाय टू कलर्स। कोई भी दो कलर्स के लिए उनके डेविएशन का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो हम रेड वॉयलेट की बात करते हैं, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, तो रेड वॉयलेट की बात करते हैं तो मुझे डिफरेंस लेना है इनके डेविएशन का। अब मुझे पता है डेविएशन जो सबसे ज्यादा था वो वॉयलेट में था, और कम किस में था? रेड में, ठीक है, कम किस में था? रेड। तो हम यू कर सकते हैं, जो ये है डेल्टा वी को मैं यू लिख सकती हूँ म्यू वी
माइनस वन इंटू ए, अभी हमने किया था डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस वन इंटू ए। ए तो दोनों के लिए सेम रहेगा ना, प्रिज्म तो सेम है तो एंगल ए थोड़ा ना चेंज होगा, यानी यहां से हमारे पास एक तो ये फॉर्मूला आ गया और ये भी हम बोल सकते हैं म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू में ए, सॉल्व करके ये भी आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये दो हो गए, ठीक है, ये है हमारा एंगुलर डिस्पर्जन। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है? द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए मटीरियल फॉर एनी टू कलर्स मे बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन। अभी अभी हमने एंगुलर डिस्पर्जन किया था थीटा, ठीक है, एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन ऑफ सेवन कलर, मतलब डेविएशन जो है उनका मीन, सेवन कलर की जो डेविएशन आई थी ना हमारा डेल्टा वी डेल्टा आर, मैंने दो डिनोट किए थे, ऐसे सातों के सातों हमें डेविएशन लेने हैं और उसका मीन निकालना है। मतलब ये मान लो हमें सेवन कलर का डेविएशन निकालना है, मान लो ये हमारा है तो वी का प्लस आई का प्लस बी का ओवरऑल लास्ट में हमारा जो बनता है रेड कलर, इनका सबका डेविएशन का मीन लेना, ये है हमारा डेल्टा एम, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन डेल्टा एम, और इसको हम डिनोट करते हैं डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से, यानी ओमेगा इज द क्या हो गया हमारा थीटा अपॉन में डेल्टा एम। थीटा को हमने ये लिखा था डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा एम। अगर मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखूं ये फॉर्मूला तो हमारा ये हो जाएगा, देखो मैंने थीटा का ये फॉर्मूला भी तो लिखा था, ठीक है, डिस्पर्जन एंगुलर डिस्पर्जन का अपॉन में डेल्टा को भी इस टर्म में लिख दिया, और डेल्टा को निकालने का ये हमारा मेथड है, ये है हमारा डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। अब ऊपर और नीचे अगर हम ए को काट दें तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू माइनस वन, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये है हमारा डिस्पर्सिव पावर। देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमारा क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, अब जो सनलाइट है वो हमारे तक जो है डायरेक्ट नहीं पहुंचती, वो हमारे तक कैसे पहुंचती है, पहले एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उस लाइट को जो है गेन कर लेते हैं, और अब एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल जो है वो हमें लाइट को पहुंचाते हैं, तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है हमारा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं लाइट का उसी को ही हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये किस चीज पे है, कब स्कैटरिंग होगी कब नहीं होगी, ये तभी होगा जब हमारी वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो क्या है, कंपैरिजन टू साइज ऑफ पार्टिकल, जो वेवलेंथ आ रही है लाइट की अगर मॉलिक्यूल के साइज के कंपैरिजन में है तो हमारा जो है स्कैटरिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब रेलाई ने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया जिसको हमने बोल दिया रेलाई फॉर्मूला। इसने क्या कहा था, जो स्कैटरिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4 है, मतलब जितनी वेवलेंथ कम उतनी स्कैटरिंग ज्यादा। और हमें इसका जो एग्जांपल है कुछ पता भी है, मैं कुछ फिनोमिना हम डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहला फिनोमिना है हमारा ब्लू कलर ऑफ स्काई। हमें जो स्काई है वो ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है हमें स्काई ब्लू कलर का, देखो लैम्डा जो है सबसे कम तो भाई वॉयलेट का होता है, फिर हमारी स्कैटरिंग में हमें ब्लू कलर क्यों दिखाई दे रहा है स्काई का, भाई जो वॉयलेट कलर होते हैं इंडिगो कलर होते हैं जो इनकी हमारी आईज परसिस्टेंस पावर है वो बहुत कम होती है इन कलर्स के लिए, ये हमें दिखते हैं इससे पहले गायब हो जाते हैं, यूं कह सकते हो परसिस्टिविटी जो है इन कलर्स के लिए कम है। तो अब वॉयलेट और इंडिगो को हटा दो तो नीचे किसका नंबर आता है, ब्लू का नंबर आता है, यानी ब्लू की वेवलेंथ कम है। वैसे तो वेवलेंथ मैंने बता दिया वॉयलेट और इंडिगो की कम है, स्कैटरिंग उनकी होनी चाहिए, लेकिन जो है हमारी जो इसके लिए है आईज परसिस्टेंस जो है बहुत कम है, तो इसलिए अब नेक्स्ट कलर का नंबर आता है ब्लू, इसलिए जो हमें स्काई का कलर है वो ब्लू दिखाई देता है, स्काई का जो कलर है हमें ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड। हमें क्लाउड्स का कलर जो है
व्हाइट क्यों दिखाई देता है? देखो क्लाउड्स का कलर क्यों व्हाइट दिखाई देता है? जो क्लाउड्स होते हैं ना वो अर्थ सरफेस के बिल्कुल पास होते हैं, ठीक है, वेरी नियर टू अर्थ सरफेस, और ये जो है रे लाइट स्कैटरिंग को ओबे ही नहीं करते। भाई यूं तो ये करते ही नहीं, जो इसका लैम्डा कम होगा उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, ये इस चीज को ओबे ही नहीं करेगा। इसका मतलब सारे के सारे कलर क्या हो जाएंगे? अपना रूप दिखाएंगे कि मैं आऊंगा बाहर, मैं दिखाई दूंगा, तो सबकी जो है मिक्सअप हो जाता है सब कलर्स का, तो हमें क्या दिखाई देगा? व्हाइट दिखाई, ठीक है, तो हमें जो है क्लाउड्स का कलर व्हाइट दिखाई देता है। ऐसे ही जो मून पर है, ठीक है, कलर ऑफ मून जो होता है वो जो है उधर ब्लैक होता है सारा कुछ, क्यों? क्योंकि वहां पर भी एटमोस्फेयर नहीं है, वहां पर एटमोस्फेयर नहीं है तो मॉलिक्यूल्स मतलब लेंगे कैसे लाइट को और एमिट कैसे करेंगे, तो नो एटमोस्फेयर की वजह से जो है सारे जो ऑब्जेक्ट्स है वहां पर क्या दिखाई देते हैं? ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है, मून पे जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो हमारा सनराइज होता है या जब सनसेट होता है तो हमारा जो कलर है सन का वो हमें रेड दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? देखो भाई जो सनराइज के टाइम वो सनसेट के टाइम जो सन होता है बहुत दूर होता है, तो सारे कलर यूं कह सकते हो इन शॉर्ट कि सारे कलर हमारे तक पहुंचने से पहले उनकी स्कैटरिंग हो जाती है, सबकी खत्म हो जाती है, तो अब बचा कौन सा? रेड बेचारा बच गया, ठीक है ना। रेड की वेवलेंथ क्यों ज्यादा होती है? तो उसकी स्कैटरिंग लीस्ट होती है, तो वो हमारे तक पहुंचते पहुंचते जो है सिर्फ रेड कलर बचता है। इस अकॉर्डिंग जो है हम यूं कह सकते हैं कि जो सनराइज और सनसेट के टाइम जो है सन का कलर जो होता है वो रेड होता है। सिमिलरली जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो भी रेड होते हैं, क्योंकि स्कैटरिंग जो है रेड कलर की लीस्ट होती है, ठीक है, लीस्ट होती है, तो इसीलिए वही हमें दिखाई देता है दूर से, ठीक है। जो दूर का काम है ना, दूर के काम में वही कलर रह जाएगा जिसकी स्कैटरिंग लीस्ट होगी, तो रेड कलर रह जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यही खत्म हो गया है, लास्ट हमारा यही था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर में क्या करेंगे? न्यूमेरिकल, जो कि CBSE के पॉइंट से जो होते हैं न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन न्यूमेरिकल्स की तरफ हम सारे जो है ध्यान देंगे।